सब्सक्राइब करें हमारे इंजीनियरिंग आइडिया पॉइंट चैनल को और बेल बटन प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो अपलोड। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स में कि इसका टू टाइप्स होता है। मैकेनिक्स हैज टू टाइप्स। सबसे फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखता है, इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स। तो आज हम देख रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में, इसका दो टाइप्स होता है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स किसको बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं आज स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स तो हम लोग सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इट डील विथ सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। इसी को एक तरीका से और भी बोल सकते हैं, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए सिस्टम, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए सिस्टम सिस्टम इज जीरो देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक्स। ये हो गया मेरा क्या स्टैटिक्स के बारे में। अब हम लोग डायनेमिक्स किसको बोलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सेकंड वन इज डायनेमिक्स। तो दोस्तों देख रहे हैं, सॉरी डायनेमिक्स किसको बोलते हैं इसके बारे में। मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम और बॉडी इट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो हम यहां पे देखें कि सिस्टम के बारे में एंड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के बारे में। तो जो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स में उसको हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टैटिक्स के बारे में ही आज हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग चलते हैं हम स्टैटिक्स में, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टैटिक्स में, एक टॉपिक होता है मेरा क्या है, फोर्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोर्स होता क्या है, सबसे पहली पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसके कारण से मोशन में, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाता है, उसको फोर्स बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ अलग, वही चीज है लेकिन उसको अलग तरीका से पढ़ेंगे। इट हैज फोर कैरेक्टरिस्ट, फोर कैरेक्टरिस्ट है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड। सेकंड वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड थर्ड वन इज लाइन ऑफ एक्शन एंड लास्ट वन इज फोर्थ इज डायरेक्शन। तो होता क्या है ये हम बताते हैं अभी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फोर्स के बारे में समझ गए कि क्या होता है। ये फोर कैरेक्टर को अगर फॉलो करता है तो देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि कोई एक यूनिट, जैसे बोले 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 5 इज ए मैग्नीट्यूड। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मान लीजिए जैसे कोई एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है तो इस पे अगर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये जो एक्ट हो रहा है, दिस इज ये जो शो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एंड ये जो यहां पे बताए कि क्या 5 न्यूटन का लग रहा है तो 5 इज मैग्नीट्यूड, 5 क्या है मेरा मैग्नीट्यूड है। एंड लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस
पॉइंट से जा रहा है, कौन सा जो पॉइंट पे एक्ट हुआ उसी के क्रॉस एक लाइन बनता है, यही क्या है मेरा लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, एंड डायरेक्शन, तो ये तो हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं, डायरेक्शन इसका कैसा है, जो भी है राइट राइट साइड का इसका क्या है डायरेक्शन है। तो ए फोर क्राइटेरिया, जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी जहां पे भी हम लोग को दिखे वो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये फॉलो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े कि फोर्स किसको बोलते हैं, तो फोर्स का फिर हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट क्या आता है, ये सब बहुत जरूरी है, इसका यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम लोग इसका इसका यूनिट क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग अभी 5 न्यूटन लिखे, जो एन बोल रहे थे 5 N, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं न्यूटन, ये क्या है मेरा, ये मेरा शो करता है यूनिट कि कौन सा ये है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, हम लोग और भी इसके टर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग फोर्स इक्वल टू जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग यहां से भी ला सकते हैं, तो मास को क्या बोलते हैं, मास का यूनिट होता है केजी, एंड एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देन यहां से भी हम लोग देख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं